नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीआरवी स्टडी चैनल, जिसमें हम आपके साथ लेकर आए हैं आरएसी सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आपके एलपीसीबीटी 2 के लिए, इस बार रेलवे पार, अब की बार हमारी सरकार। और हम बात करना चाहते हैं आपसे, जैसे हमने कल आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ एक एक यूनिट आपके साथ लेकर आएंगे, उसमें हमने सबसे पहले आपको कहा था कि हम व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट क्या है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या है, कैसे हम उसकी यूनिट निकालते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इन टॉपिक्स को आप बहुत ही हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्ड में आपको बताऊंगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एलपी के लिए। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इनके प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहता हूँ जीआरवी स्टडी चैनल में, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हमारा टॉपिक होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन को दोस्तों आप अपने घर के फ्रिज की तरह एज यूजुअल मान सकते हैं, जैसे कि इसकी डिफिनीशन या परिभाषा से स्पष्ट होगा कि ये क्या है। दोस्तों, ये क्या है पहले आप इसकी लैंग्वेज को देखिए, फिर इसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब होता है दोस्तों हमारे पर्यावरण, बाह्यमंडल, बाहर के वातावरण के अपेक्षा। हमारा जो लोअर टेम्परेचर का मतलब हो गया यहाँ पर निम्न तापमान, मेंटेन का मतलब हो गया बनाए रखना। ये प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें हम अपने फ्रिज का टेम्परेचर बाहर की अपेक्षा कम करना चाहते हैं, या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इसी को बोलते हैं, जिसमें हम मेंटेन करते हैं लोअर टेम्परेचर सराउंडिंग से तुलना करके। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको रेफ्रिजरेशन समझ में आया होगा। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, रेफ्रिजरेशन तो हो गया, लेकिन उसमें क्या यूज किया जाता है जिसके तहत हम उस चीज़ को ठंडा कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम उस चीज़ को ठंडा करते हैं। तो दोस्तों, वो होता है हमारा रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट के बारे में दोस्तों सुनिए। रेफ्रिजरेंट के बारे में जैसे आप समझ चुके होंगे, बहुत ही आप लोग तेज हैं जो आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करके सेकंड स्टेज के लिए चुने गए। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस टू बी कूल्ड। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सब्सटेंस, वह सब्सटेंस जो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, समा ले अपने अंदर, किससे? स्टोरेज स्पेस से। जो हम स्टोरेज स्पेस हमारे जिस रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ है, उस स्टोरेज स्पेस से हीट को निकाले और बाहर थ्रो आउट कर दे, वो हमारा कूल करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रेफ्रिजरेंट। दोस्तों, रेफ्रिजरेंट की बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम लोग टेक्निकल से बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो हमको इसकी यूनिट पे भी फोकस करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ALPCVT 2 के लिए मेंशनड ये क्वेश्चन को ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों हमारे लिए, और ये आपके पेपर में एज इट इज मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्या होता है 1TR। TR का मतलब होता है दोस्तों टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसकी परिभाषा भी हम लोग कुछ देर में डिटेल करेंगे, और ये कहाँ से आया इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो 1TR की वैल्यू जो होती है 3.51 किलोवाट या 210 किलो जूल पर मिनट। ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट में एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, और ये मैं गारंटेड हूँ कि आपको ये 3 स्टार अगर लग गए, इसका मतलब ये आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये आप लोग जानिए कि यहाँ पर एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये M1 आपके क्वेश्चन फिजिक्स में भी उठ कर आ जाते हैं कि एक कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, एक कैलोरी की वैल्यू 4.18 जूल होती है, और इससे आपके कन्वर्जन भी आ सकते हैं, तो इस चीज़ को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर हमने जैसे आपसे कहा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इसकी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? टन से आपका बहुत से हमारे साथ दोस्त जुड़े होंगे जो हिंदी भाषी होंगे, अंग्रेजी भाषी होंगे, लेकिन वो टन के बारे में जरूर जानते होंगे। क्यों? क्योंकि टन हमारा एक होता है 1000 kg वाला, लेकिन दोस्तों ये वो टन नहीं है। हम पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर। 1 टन ऑफ वाटर अमेरिकन टन 907 kg। अब आप आश्चर्य में होंगे कि ये अमेरिकन टन क्या है। दोस्तों, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। इन एनी ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू वाटर फ्रॉम 0°C टू 0°C आइस इन अ डे ऑफ 24 आवर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अमेरिकन टन की बात करते हैं। दोस्तों, ये अंटार्कटिका से हमारे अमेरिका के कुछ भाई बंधु थे जिन्होंने बर्फ का एक टुकड़ा लेकर आए, और उन्होंने जब उसका वजन किया तो वो 907 kg के बराबर हुआ, जो कि यहाँ पर अमेरिकन टन के रूप में परिभाषित हुआ। और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए हम इसी 907 kg का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपके पेपर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिकन टन, एक अमेरिकन टन कितने के बराबर होता है, या टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में जिस टन का उपयोग किया जाता है वो कितने kg के बराबर इक्विवेलेंट होता है। फिर दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इस परिभाषा का क्या मतलब हुआ, इस परिभाषा के बारे में हम जानना चाहते हैं दोस्तों। तो ये हीट जो रिमूव की गई है 1 टन ऑफ वाटर से, जिसमें वाटर को आइस में कन्वर्ट किया गया है, 24 घंटे के अंदर कन्वर्ट किया गया है, वो हमारा कहलाता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। मतलब 24 आवर में हम कितनी आइस, कितना वाटर से कन्वर्ट करते हैं 0°C में, वो हमारी कहलाती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। फिर दोस्तों, आप लोग जानते होंगे हीट क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम
यहाँ पर क्यों हमको एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालना है, इसलिए क्यू की जगह हमने एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लिखा दोस्तों। और इसका क्यू बराबर होता है एम इन टू एल, जहाँ एम हमारा होता है मास और एल हमारा होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वाटर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बनता है पेपर में और ये जरूर आपके पेपर में आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो हमारा होता है वो 335 किलो जूल पर केजी, 335 किलो जूल पर केजी होता है। लेटेंट हीट का मतलब दोस्तों हिंदी वाले दोस्तों के लिए हमारे गुप्त ऊष्मा। तो दोस्तों एम की वैल्यू हम यहाँ कितनी रखेंगे, 907 केजी, क्योंकि हमने यहाँ देखा अमेरिकन टन हमारा किसके बराबर होता है, 907 केजी के बराबर। फिर दोस्तों एल की वैल्यू हम लोग कितनी रखेंगे, 335 किलो जूल पर केजी। फिर दोस्तों हम देख रहे हैं कि 24 आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें रेट निकालना है हमको, तो इसलिए हम 24 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वाट में निकालना है। और दोस्तों वाट बराबर हम लोग जानते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। जूल हमारी किसकी यूनिट होती है दोस्तों, क्योंकि हीट की यूनिट होती है जूल, और सेकेंड में लाना है तो सेकेंड से हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डिवाइड करना पड़ेगा। चूंकि हमारे पास 24 आवर है, तो 24 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 24 आवर में सेकेंड का 60 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 टन रेफ्रिजरेशन की वैल्यू 3.51 किलोवाट निकल करके आ जाएगी, जो हमने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों इसको आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये आपके क्वेश्चन में, आपके एएलपी सीबीटी 2 में ये एज इट इज क्वेश्चन बनने वाला है, श्योर एंड सर्टेन। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपकी टन और टन्स की। तो जो टन्स होता है यूज किया जाता है मास के लिए, जैसे हम 1 टन इक्वल टू 1000 केजी बोलते हैं, 1000 केजी बोलते हैं, तो वो हमारा टन होता है, टी ओ डबल एन ई एस। लेकिन जब हम टी ओ एन टन की बात करते हैं, तो ये हमारा हीट ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है टन, जो कि अमेरिकन टन होता है दोस्तों। फिर दोस्तों कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम आपको यहाँ पर गौर कराएंगे, जो कि आपके हीट चैप्टर में आएगी, जो कि फिजिक्स में भी इन्वॉल्व है और थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ चैप्टर इन्वॉल्व हैं इसमें। और दोस्तों ये आपके क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे, जो मैं आज आप क्लास ले रहा हूँ, ये आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एलपी सीबीटी 2 के दृष्टिकोण से। सबसे पहले आप लोग दोस्तों जानिए कि जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे तीन लॉ दिए गए हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जीरोथ लॉ जो हमारा होता है दोस्तों, वो हमारा बेस्ड होता है टेम्परेचर पे। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन एएलपी में आपके मिलेगा कि जीरोथ लॉ का जो बेस होता है वो क्या होता है, तो हमें ऑलवेज लगाना है टेम्परेचर। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, तो फर्स्ट लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों ये हमारी पढ़ाई बाइलिंगुअल चल रही है दोस्तों, आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन आपके अंदर से उत्पन्न होता है, इसलिए आप ध्यान रखें। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, ये आपकी सोच का फर्क होता है, आप क्या सोच रहे हैं और किस नज़रिए से उस चीज़ को आप देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको कोशिश अपनी पूरी तरफ से कर रहा हूँ कि आपको बाइलिंगुअल मिले, इंग्लिश वाले लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए इंग्लिश, दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, साइक्लिक समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू साइक्लिक समेशन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है दोस्तों हमारा रिप्रेजेंट करता है वर्क, वर्क मतलब कार्य, और क्यू मतलब हीट, जो कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं। फिर दोस्तों ये साइकिल अगर कंप्लीट होती है तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और फर्स्ट लॉ के साथ हमारे कुछ छेड़खानी की गई है, छेड़खानी बनाने वाले वैज्ञानिक बनाकर चले गए, हमको पढ़ना है उस चीज़ को, तो पढ़ना है तो पढ़ना है। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये क्यों हमारी हीट हो गई, ये हमारा पहले से ऊर्जा उत्पन्न हुई और ये पी डी वी वर्क के रूप में संरक्षित हो गया। क्यों बराबर टी डी एस, हमारा एंट्रोपिस निकल कर आता है दोस्तों, इसकी चर्चा हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे जब हम यू पी जे का सिलेबस कवर कर रहे होंगे दोस्तों। फिर दोस्तों